दिलीप गोयल साहब, मैं आपके पास आता हूं। अभी जो स्थितियां हैं, आप अगर पिछला रिकॉर्ड पर निगाह डालें, पहले जिस तरीके से टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेहद आक्रामक तरीके से विपक्ष के जो भी प्रतिनिधि होते थे उनके ऊपर हमले करते थे, लेकिन एक दौर आया कि पलट करके फिर विपक्ष के लोगों ने उससे भी ज्यादा आक्रामक तरीके से बीजेपी के लोगों पर हमला करना शुरू किया और अब उनकी बातचीत करने के स्टाइल में काफी बदलाव आ गया। उसी तरीके से सोशल मीडिया का था, सोशल मीडिया पर जिस आक्रामक और भद्दे तरीके से कांग्रेस पर और विपक्ष पर ये लोग हमला करते थे, आज सोशल मीडिया पर भी विपक्ष खास करके कांग्रेस इतनी मजबूत तरीके से अपने को दर्ज करा रही है, आज इनकी बात करने की स्थिति नहीं रह गई है और वो तुर्की बतुर्की उनको टाइम पे जवाब दे रही है। अब संसद में जिस तरीके से, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे रमेश बिदूरी हो, जिस तरह का असंसदीय और अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, आप आने वाले दिनों में संसद के अंदर की स्थिति में क्या बदलाव, संभावित बदलाव देखते हैं? क्या अब यही होगा कि विपक्ष का भी किसी दिन कोई नेता खड़ा होगा और सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को जो है गालियां बक रहा होगा? क्योंकि बर्दाश्त करने की सीमा सबकी होती है, प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं से पलट के आती है, रणनीति के रूप में आए या स्वाभाविक रूप से आए। तो आपको क्या लगता है कि संसद की मर्यादा, रमेश बिदूरी के मामले में अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ ऐसा बनेगा कि फिर ये नहीं पता होगा कौन किसको क्या कह रहा है? आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, कई हद तक आपकी बात सही है, आगे क्या होगा वो बहुत चिंता होने लगी है। इसलिए हो रही है कि बिदूरी ने जो कहा और करा वो गाली गलौज की है, आक्रामकता तो नहीं है, ये तो गाली गलौज हो गया था। ये गाली गलौज होने के बाद जो रिएक्शन आया, उसको बुला के कह दिया भाई जरा देख लेना, दूसरी बात मत करना, ऐसे करके बात खत्म कर दी। अब जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, अब दानिश अली के निवेदन निकाले जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा, उसको अब बात को टालने की कोशिश कर रही है, अलग दिशा में ले जाने की कोशिश। इसका मतलब है किसी को कुछ दुख नहीं हुआ है, बीजेपी को जरा पश्चाताप नहीं है कि हमारे को एक सभ्य ने जाके क्या कर दिया। आगे मुझे लगता है ये बात बढ़ने वाली है। मैं गुजरात की बात करूंगा तो संदर्भ में समझ में आएगा। गुजरात में एक एक हाल हो गया था, विधानसभा एक तो कम मिलती है, ये जो कम से कम सत्र बुलाया जाता है केंद्र में, उसकी नींव गुजरात में रखी थी। आप मिनिमम सत्र बुलाओ, मिनिमम डेज के लिए जो आपको रिक्वायर है वो, इसमें भी शासक पक्ष के, बीजेपी के पक्ष के जो लोग हैं वही सवाल पूछेंगे, वही आके बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने प्रधान के बारे में कहे कि हमें बहुत अच्छा जवाब मिला है, अच्छा काम हुआ है। मतलब पूरा समय इस तरह से जाएगा कि सरकार का बखान पे बखान होने लगेगा और विपक्ष को कम से कम टाइम मिलेगा। अब उसमें भी जैसे ही थोड़ा विपक्ष को टाइम मिले, इस तरह की कुछ बातें कहो, उसको इस तरह से उकसाओ कि वो थोड़ा सा हंगामा कर देंगे, थोड़ा सा धमाल कर देंगे, थोड़ी सी आक्रामकता दिखा देंगे, उनको सदन से निष्कासित कर दो, उसको बाहर हटा दो। बहुत बार एक बड़ी लंबी लिस्ट है गुजरात में, जहां बार बार ये हमने होते देखा। हमें तो शंका होने लगी थी कि ये पूरा स्क्रिप्ट की तरह हो रहा है, सत्र मिलता है, थोड़ा काम होता है, बीजेपी के खुद के एमएलए आके अपनी सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते, उनके ही सवाल लिए जाते हैं, फिर जैसे कांग्रेस का एमएलए आया, कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किया, कुछ सवाल पूछ लिए, तो कुछ ना कुछ धमाल हो जाता है और उनको सदन से निष्कासित कर दिया, पूरे पूरे सत्र के लिए, पूरे पूरे साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता था। इसका मतलब गुजरात विधानसभा में, गुजरात गृह में जो पूरी कार्यवाही थी वो बेमानी हो गई थी। एक केंद्र में कुछ हद तक कम हो पाया था, इतना इस हद तक नहीं जा पा रहे थे, समय कम कर दिया था, हमने देखा बहुत कम सत्र मिल रहे, कम समय में हो रहा था। लेकिन अब जो हो रहा है इससे लगता है कि जो गुजरात में हुआ वो शायद दिल्ली में होगा। बोलने ही ना दो विपक्ष को, जैसे ही विपक्ष के लोग कुछ बोले बहाना कर दो, उसको सदन से मार्शल को कह के बाहर धकेल दो, फिर उसको निष्कासित कर दो। हमने देखा था आम आदमी पार्टी के और बाकी के कुछ नेताओं को तुरंत उनको निष्कासित कर दिया गया। तो मुझे लगता है ये आगे जाके ये होगा। अब ठीक है, आप कहेंगे ये भी इस तो स्ट्रेटेजी का भाग है, विपक्ष को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, वो निष्कासित ना हो इस तरह से उसको सवाल करने पड़ेंगे। यहां तक हमारी अब चर्चा मर्यादित नहीं रह गई। बाहर तो हम देखते थे
कुछ ना कुछ बोला जाता था, आक्रामक तरीके से बोला जाता था, अभद्र तरीके से बोला जाता था, न जाने क्या क्या एक दूसरों के बारे में कहा जाता था। हम सोचते थे ठीक है चुनाव है, चुनावी सभा में लोग बोल देंगे। अब जो हुआ ये मामला इसलिए गंभीर है कि ये तो सदन में हुआ, सदन नई सदन की जहां नई शुरुआत करनी थी, जहां नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कहा कि यहां जो वाणी बर्तन होगा, यहां जो भाषा का प्रयोग होगा, यहां जो वर्तन होगा, उससे डिसाइड होगा कि कौन शासक पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठा होगा। तो क्या ये नमूना पेश हुआ नई संसद में, नए भवन में? ये एक गाली गलौच है सिर्फ, ये आक्रामकता नहीं है। अपना जो स्पर्धक है उसको दुश्मन गिनाना ये नहीं है, उनके लिए अभद्र भाषा, उसके लिए कटाक्ष करना, उसके लिए बहुत बुरी और जैसे कहे उसका कोई फाउंडेशन ना हो ऐसे एलिगेशन लगाना, इनसे ये बात आगे बढ़ गई है। ये गाली गलौच था और ये, और उसके बाद कोई पछतावा नहीं हुआ, ये बहुत गड़ी बात है। तो मुझे लगता है आगे जाके हमने ये सोचा था कि शायद कुछ नया होगा, नई संसद में नहीं होने वाला, ये टेंशन बढ़ने वाला है। और ये जो बेसिक बात है कि लोकतंत्र में आपका जो ऑपोजिशन पार्टी में वो आपका स्पर्धक है, आपको उसे हरीफाई करनी है, आपसे उनको चुनाव में लड़ना नहीं है, लड़ना शब्द ही मुझे लगता है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आपको वहां जाके चुनाव में खड़ा रहना है, अपना विकल्प देना है, किसी को एक को पसंद किया जाएगा, वो आपका दुश्मन नहीं है। वो जिस तरह से कहा जाता है तो इस तरह से आप देखो तो हमारे पूरे पूरे सांसद देशद्रोही हो जाएंगे आपस में, दो सब एक दूसरे को देशद्रोही कह रहे हैं, एक दूसरे को न जाने क्या क्या गालियां दे रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हमारी अपेक्षा वो तो पूरी नहीं होने वाली। आप थोड़ा सा आक्रामकता कर दीजिए, चुनाव में कुछ बोल लिए, लेकिन ये आक्रामकता नहीं है, गाली गलौच है और इस संसद में हुआ है। और उसके बाद जो हुआ ये आपकी बात से उसको मैं जोड़ता हूं, उसके बाद जो हुआ सिर्फ उसको चेतावनी देके छोड़ दिया गया कि ऐसा ख्याल करिएगा नेक्स्ट टाइम। मेन बात यह थी कि जब वो बोल रहे थे तभी किसी को रोकना चाहिए था। अब डॉक्टर है, सांसद है दिल्ली के बीजेपी के, हर्षवर्धन जी, वो कहते हर्षवर्धन जी कह रहे कि मुझे इतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या बात हो रही थी। रविशंकर जी बैठे थे, उन्होंने भी शायद उस तरह का ही कहा कि इतनी आवाज हो रही थी कि मुझे ध्यान नहीं रहा। स्पीकर कह रहे थे कि मुझे बाद में पता चला। ये तो बहुत बड़ी गलत, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। आपको अटेंशन में रहना चाहिए, जो बड़े नेता है अपने पक्ष के उनको, और स्पीकर पे जो बैठता है, जो कुर्सी पे बैठा है, उनको वहां उसी वक्त उसको रोकना चाहिए था, वो नहीं रोका गया। और उसके बाद भी जो रिएक्शन आए हैं वो ऐसे रिएक्शन नहीं जहां हमें पता चले कि कुछ पश्चाताप हो रहा। तो कोई पश्चाताप नहीं हो रहा, चुनावी सभा में, गलियों में, कुचियों में जो होना, जो हो रहा है वो अब संसद की तक लाने की जो बात कर रहे हैं उसमें कोई मर्यादा या मान नहीं रहा। आने वाले दिन के लिए हमें बहुत चिंता हो रही है। इस विपक्ष को बोलने ही नहीं देना, उसको निष्कासित करके हटा दो, पूरा समय इस तरह से व्यतीत करो, शासक पक्ष के सांसद कोई मिल जाए, इनसे आगे बढ़ के एक गाली गलौच होने लगे, धमकियां दी जा रही है, बाहर आओ देख लेंगे, यहां तक बात पहुंची है। तो मुझे लगता है उसको सीरियसली ही लेना पड़ेगा। और आपने एक बात ये भी कही कि सोशल मीडिया में और बाकी में विपक्षी लोग भी अभी आक्रामकता दिखा रहे, मैं कहता हूं वो उसका जवाब नहीं है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, आईटी सेल के जर के पूरी गंदगी फैला रहे, तो सामने गंदगी फैलाना ये तो कोई जवाब नहीं होगा। अलग स्ट्रेटेजी दिखानी होगी, एक पूरा अलग चित्र पेश करना होगा लोगों के सामने कि जो हो रहा है वो किस तरह से आपको नुकसान करने वाला है, लोकतंत्र को नुकसान करने वाला है। और इससे नुकसान नागरिकों को हो रहा, विपक्ष तो शायद एक ये इलेक्शन हार जाएगा, 5 साल के बाद जीतेगा और उसके 10 साल के बाद जीतेगा, लेकिन पूरे लोकतंत्र को और नागरिकों के अधिकार के प्रति सबको जो जिम्मेवार होना है, वो जो जिम्मेवारी की भावना है वो खत्म हो रही है, उसका नुकसान तो नागरिकों को होगा। अभी कोई परवाह ही नहीं करेगा, इतने बड़े बड़े नेता गाली गलौज कर रहे हैं तो अब रास्ते में बाकी लोगों के साथ क्या होगा? एक कम्युनिटी के साथ होगा, कल दूसरी कम्युनिटी के साथ होगा, एससी के साथ होगा, एसटी के साथ होगा। और जिस तरह से ओबीसी का मुद्दा चल रहा है, वो ओबीसी वालों के साथ भी यही होने वाला है। बहुत चिंताजनक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, सीरियसनेस नहीं दिखाई दी। पक्ष आज भी, आज पता चला कि उन्होंने जाके अपने पार्टी में जेपी नड्डा को मिलके दिया है अपना जवाब। अब 3-4 दिन के बाद तो वो जवाब दे रहे हैं, अब क्या जवाब देगा? वो जवाब देने के बाद पार्टी जवाब क्या देगी? हमें तो नहीं लगता कोई सीरियसनेस दिखाई दे रही।
पूरा मामला बहुत गंभीर है और मुझे लगता है सिर्फ विपक्ष को नहीं, पब्लिक लाइफ में जो भी है सबको सोचना पड़ेगा, नागरिक को सोचना पड़ेगा और नागरिकों को हमें अवेयर करना पड़ेगा। ये जो कुछ हो रहा है वो दो राजकीय पक्षों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये लोगों के खिलाफ की, आम आदमी के खिलाफ की, ये नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसकी लड़ाई है। ये लड़ाई सबको साथ मिलकर लड़नी होगी। ये इतना मैसेज मुझे लगता है पूरी घटना से जा रहा। जी दिलीप जी, दिलीप जी और राजीव जी, समय बहुत कम है, आप दोनों लोग एक ही विषय पर हम सवाल करें, थोड़ा सा थोड़ा हट के विषय है। हमारी सरकार, मैं कहूं कि जो वर्तमान नेतृत्व है, कनाडा के इशू को जिस तरीके से हैंडल कर रही है उससे हमें दोतरफा मार पड़ रही है। मतलब हम इसमें जीतेंगे तो भी हारेंगे और हारेंगे तो भी हारेंगे, क्योंकि जो कनाडा में रहने वाले लाखों की संख्या में सिख हैं वो दिल से भारतीय हैं, और उनके खिलाफ हम जाते हैं तब भी हम हारते हैं, और उनके साथ जा रहे हैं, उनके पक्ष में अगर खड़े हैं तो हमको लगता है कि हम देश की में जो हालत है वो स्थितियां ठीक नहीं हो रही है, जिस तरह टिप्पणी हो रही है। तो मैं कनाडा के इशू में जिस तरीके सरकार हैंडल कर रही है, क्या आप उसे उचित पाते हैं? पंजाब पे उसका क्या असर पड़ रहा है? विदेश में रहने वाले हिंदुओं पे उसका क्या असर पड़ रहा है? जिस तरीके से वहां पर जो है हिंदू और मतलब वहां पर हिंदू समुदाय के लोगों को सिख जो अलगाववादी वहां के सिख है उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां भी दो धड़े बट रहे हैं, इन सब चीजों को आप किस रूप में देख रहे हैं? हमारे लाखों जो है स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, उनके परिवारों में यहाँ पर एक डर है कल को वहां कोई विवाद शुरू हुआ तो उनके साथ कुछ ना हो जाए। जी राजीव, बिल्कुल ये सही बात है। मैं बहुत जी बहुत बारीकाई से देख रहा हूँ इसमें क्या होगा, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ तो रिपोर्ट्स आ गए हैं कि इससे ट्रेड में हमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका जाना मुश्किल है, इसलिए नॉर्थ अमेरिका में अगर आईटी में या तो स्टार्टअप में आपको काम करना है तो आपके लिए कनाडा बहुत इजी था। भारत के जो भी स्टार्टअप है या तो आईटी में या तो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऑलरेडी हो रहा है, वो एक सही बात है। लेकिन आप इसमें देखिए, ये बहुत चालाकी से पूरे नरेशन को बदला जाएगा उस, और आज कुछ एक अलग मामले में हमारे विदेश प्रधान जयशंकर ने कहा वेस्ट है उसका डबल स्टैंडर्ड है, वो क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात कर रहे हैं, जो चेंजेस आने चाहिए विश्व में वो नहीं आ रहा इसलिए डबल स्टैंडर्ड है। आगे जाके ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात इस तरह से कही जाएगी कि अगर आप जाके सीरिया में, इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में कुछ कार्यवाही करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड अलग है, और हमारे यहाँ वैसे नहीं कहा जाएगा, ऐसा कबूला नहीं जाएगा हमने किया, लेकिन कुछ इस तरह से कहा जाएगा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अगर आपको कोई लिस्ट देता है, आपको खालिस्तानी या तो टेररिस्ट या तो और कोई भी लिस्ट देता है, आप तो कार्यवाही नहीं करते, आप डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे, ऐसा करके ये विदेश नीति को अलग तरह से हैंडल करेंगे और ये सभी चीजों का इलेक्शन में जो फायदा लेने की कोशिश है, एक अलग चित्र खड़ा करना कि हम विश्व में कितने मजबूत है वो दिखाने की कोशिश होगा। इंटरेस्टिंग है, अभी कुछ मुझे लगता है क्लियर नहीं हुआ किस तरह से कनाडा के मामला को हैंडल किया जाएगा। अभी मुझे लगता है देख रहे हैं कि बाकी के विश्व के लोग क्या कह रहे हैं, यूरोप के लोग क्या कहेंगे और बाकी देश क्या कहेंगे, उसके बाद मुझे लगता है स्ट्रेटेजी तैयार होगी। अगर बाकी कुछ नहीं हुआ तो उसको मैंने जो कहा उस तरह से बात घुमा के शायद उनका भी फायदा लेने की कोशिश आगे की जा सकती है।